हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई में क्या मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों का क्या क्या अलग अलग क्या कि किसकी कितनी सैलरी है, किसका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या पोस्ट किसको दिया जाता है। तो इन सबों के बारे में हम इस मतलब ब्रीफ में सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इसमें आरआरपी जेई को भी इंक्लूड करने वाला था, लेकिन उससे थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी भी हो जाती और थोड़ा मतलब समझने में भी दिक्कत होती, तो मैं इसीलिए इसमें इन दो पॉइंट को रख रहा हूँ। कि इससे क्या कि मैं इसमें किसी को जैसे कम या ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है उस पर बात करूँगा और फिर आप अपने हिसाब से खुद चूज करना कि मतलब किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आपको जाना मतलब ज़्यादा सही रहेगा, जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसको पूरा देखिएगा तो आपको इससे रिलेटेड मतलब दोनों जॉब से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे कि किस में क्या क्या मिलता है, क्या क्या कैसे पोस्टें मिलती हैं, क्या सैलरी है, तो आपका इससे जितने भी रिलेटेड डाउट होंगे वो तो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि एलिजिबिलिटी मतलब फॉर्म आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो अगर एसएससी जेई की बात की जाए तो इसमें क्या है कि आप बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले दोनों में से मतलब कोई भी आपके पास डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम एज होती है 32 ईयर्स की। पोस्ट वाइज होती है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूसी की जो होती है वो 32 होती है और बाकी सारी पोस्टों की 30 ईयर्स तक के करीब होती है। और अगर बात की जाए आपकी यूपीपीसीएल जेई, तो इसमें केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप कोई हाई डिग्री भी कर रखे हो तो भी आपके पास मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम एज जो है वो है आपकी 40 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम इसमें 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था कि एलिजिबिलिटी वाला, लेकिन एसएससी जेई में क्या कि आप दोनों मतलब चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक को अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी भी, मतलब कब आप इसको फिल कर सकते हो, और मिनिमम एज दोनों के लिए 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बात की जाए जैसे एग्जाम पैटर्न की, तो फ्रेंड जैसे एग्जाम एसएससी जेई में आपका क्या दो पेपर होते हैं, टायर 1 टायर 2, मतलब प्री और मेंस टाइप के। तो प्री में आपके क्या मतलब 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और निगेटिव मार्किंग भी ऑब्जेक्टिव टाइप से है तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। और क्या है कि जैसे आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं और 50 आपके जीके जीएस वगैरह के आते हैं, जीके जीएस करंट के, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। बाकी आपका पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 में आपके मतलब 300 मार्क्स का होता है टोटल। तो पेपर 2 तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मतलब रिटन टाइप का, तो आप इसमें मतलब जैसे इसमें निगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, तो आपके इसमें मैक्सिमम 300 मार्क्स के होते हैं। 200 टाइम मतलब 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और पेपर 1 भी आपका 2 घंटे का होता है, मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, और यहाँ पेपर 2 में आपका 2 घंटे का होता है, लेकिन क्वेश्चन आपके जैसे सेक्शन वाइज रहते हैं, जैसे मैक्सिमम 6 सेक्शन होते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, तो जैसे 60 60 मार्क्स के 5 सेक्शन करने होते हैं, तो 65 आपका 300 हो जाता है। तो इस टाइप से होते हैं, कोई मतलब कोई 5 आपको करने होते हैं, तो सेक्शन में मतलब आपके 4 5 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर बात की जाए आपका यूपीपीसीएल जेई की, तो इसमें केवल एक ही पेपर होता है, वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की, और इसमें टाइम आपको मतलब सफिशियंट ज़्यादा थोड़ा दिया जाता है, मतलब 3 घंटे में 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, बस एक ही पेपर होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये था। तो इसमें फ्रेंड्स क्या, जैसे मान लीजिए दोनों में मतलब अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप या आप सिलेबस का देख भी सकते हो, तो क्या है कि अगर आप एसएससी जेई का देखोगे तो उसका मतलब उसमें क्या है कि नॉन टेक का प्री वाले में आपका नॉन टेक का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि हाफ हाफ कर देता है, मतलब 100 आपके नॉन टेक आएंगे और 100 आपके टेक्निकल आएंगे। तो 100 आपके नॉन टेक वाले में क्या है कि जैसे अब आप जो भी बच्चा है, अगर कोई भी है, अगर उसका नॉन टेक अच्छा है, मतलब जैसे रीजनिंग वीजनिंग या जीके जीएस करंट वगैरह शुरू से अच्छा हो, और मतलब स्पीड अच्छी हो रीजनिंग की, और टेक्निकल क्या है जैसे मतलब आपने अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो तो बेसिक सब्जेक्ट आप तो पढ़ ही लेते हो, बेसिक सब्जेक्ट जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छे से, और मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल में सारी चीज़ें जितने बहुत सारा है, बहुत लंबा हुआ है, एसी सर्किट डीसी सर्किट नेटवर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पावर सिस्टम आपने कर रखा है, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, मेजरमेंट कर रखा है आपने, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रखा है, तो मतलब मशीन कर रखे हैं, तो ये मतलब इसके बेसिक सब्जेक्ट हैं एसएससी जेई के, मतलब प्री का कहो या मेंस का कहो। बस प्री में आपका क्या है कि टेक्निकल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है, और मेंस वाले में क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटन टाइप से होता है। तो अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट मतलब अगर डिप्लोमा वगैरह बेसिक सब्जेक्ट आपका क्लियर है टेक्निकल का,
और बाकी अगर नानटेक में आपकी मतलब नानटेक में आपका स्पीड अच्छी है, आप मतलब अच्छे से पढ़ते हो डेली जीके जीएस वगैरह, तो आप इसके तरफ मतलब ध्यान दे सकते हो। जिसका मतलब क्या हो कि अगर नानटेक अच्छा हो और टेक्निकल आप डिप्लोमा कर रखे हो, तो बेसिक सब्जेक्ट जितने हैं आपके वो आपके अगर क्लियर हो तो आप इसके तरफ मतलब ध्यान दे सकते हो एसएससी जेई की तरफ, तो मतलब आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए। अगर बात की जाए फ्रेंड सीबीपीसीएल जेई की, तो इसमें क्या कि जैसे आपके 150 तो आपके टेक्निकल क्वेश्चन है और 50 आपका नानटेक है। 50 नानटेक में आपके 20 आते हैं रीजनिंग के, 20 आते हैं जीके जीएस के, और 10 आते हैं आपके हिंदी के। तो इसमें मतलब अब इसमें उनको करना चाहिए जैसे मतलब ज़्यादातर जनरली कि अगर जिसका मान लीजिए कि जिसका नानटेक में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा हो, या डिप्लोमा के टाइम पे या जो भी आप पढ़ो जिसका नानटेक में इंटरेस्ट ज़्यादा हो, या नानटेक जिसका स्ट्रांग हो, क्योंकि इसका टेक्निकल का सिलेबस और मतलब एसएससी जेएच कंपेयर टू दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसमें क्या कि अगर आप बेसिक अच्छे से कर लिए, तो एसएससी जेई की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें आप बेसिक अच्छे से कर लिए तो आप मतलब आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन यूबीसीएल जेई में नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें क्या बेसिक बेसिक से आजकल तो बेसिक से अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, कंट्रोल पावर इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी आते हैं लेकिन बहुत हल्के। लेकिन क्या है कि इसमें क्या आपको टेक्निकल में या तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो, तो फिर आप इसके तरफ ध्यान दे सकते हैं। और यूपीसीएल जेई में क्या है कि जैसे आप इसमें नॉनटेक मैंने बता दिया टेक्निकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और नॉनटेक क्या है कि जैसे नॉनटेक में तो मतलब अगर आपका बिलो एवरेज भी हो तो भी आप चल जाओगे, क्योंकि 50 मार्क्स के ही आते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत भी आप कर लोगे बाद में अपने एग्जाम टाइम में तो भी मतलब आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा हो या इंटरेस्ट उसमें अच्छा हो, पढ़ने में मन लगता हो, तो उनको मतलब यूपीसीएल जेई की तरफ मतलब ध्यान देना चाहिए, इसमें मतलब प्रयास करना चाहिए। और जिनका क्या है कि अगर नॉनटेक अच्छा हो, और नानटेक तो अच्छा होना चाहिए, और क्या कि अगर आपका बेसिक मतलब क्लियर है, बेसिक मतलब कि आपको नेटवर्क पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मशीन, ये सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए अच्छे, क्योंकि प्री वाले में तो खैर टेक्निकल उतना नहीं आता है एस एस सी जे में, मतलब आप नॉर्मल एवरेज भी करके जाओगे तो भी 80% क्वेश्चन आप कर ले जाते हो, लेकिन जो मेंस इसका होता है तो उसमें आपके रिलेटेड टाइप के होते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं इसी बेसिक से आए हैं। तो अगर जिसका बेसिक अच्छा रहेगा ना, तो वो उसके लिए फिर एसएससी जेई मतलब एज टेक्निकल के मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो इजी है, क्योंकि उसमें आपके बेसिक मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप मतलब मेंस वाले के लिए दे सकते हो। तो अब जैसे भी हो आप अपने हिसाब से खुद चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर है, क्योंकि दोनों तो मतलब क्या है कि एक कोई ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, दोनों तो अक्सर होते नहीं, और जिनके दोनों अच्छे हैं तो वो तो फिर जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, जिनके टेक्निकल नॉन टेक दोनों अच्छे हों। तो ये था मतलब बेसिक, आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मतलब मेरे लिए कौन सा बेटर है। वैसे आप अप्लाई दोनों को किया करो जब भी आए वैकेंसी, ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही एग्जाम को टारगेट करो। फ्रेंड्स एक चीज़, आप अगर टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल एक एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो भी वैकेंसी आती है सारे को फिल करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस नॉन टेक का थोड़ा डिफरेंस होता है तो आप कर सकते हो। तो बस लेकिन सारे एक ही एग्जाम को मत किया करो कि सारे मतलब 2-3-4 एग्जाम एक साथ दोगे ना, तो चांसेस रहते हैं किसी न किसी में आपका हो सकता है। तो ये है, फिर आप अपने हिसाब से खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मतलब कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो ये था कि आपका जैसे कि मैंने सिलेबस का बात किया और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, अब आपका आता है कि जैसे मैं बात करूं कि ट्रेनिंग, जब वैसे मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, और इंटरव्यू दोनों में किसी में नहीं होता, ना एसएससी जेई में होता है ना यूबीपीसीएल जेई में। ट्रेनिंग में क्या है कि जैसे आपका इसमें जो ट्रेनिंग आती है एसएससी जेई में मैक्सिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और कुछ पोस्टों में मतलब डिफर भी होती है, जैसे एमईएस जो होते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस या बीआरओ में, तो थोड़ा डिफरेंस भी होता है, मतलब उसमें कम भी होती है, 2-3 महीने 1-2 महीने की भी होती है, लेकिन मोस्टली मतलब 6 मंथ की होती है। और जैसे मैं बात करूं आपके यूपीसीएल जेई की, तो यूपीसीएल जेई मैंने बता चुका है कि 1 मंथ की ट्रेनिंग आपकी ईटीआई में होती है, और बाकी आपकी 11 मंथ वो भी आपकी ट्रेनिंग ही मानी जाती है, 11 मंथ की ट्रेनिंग आपकी आन जाप मतलब आप जहाँ ड्यूटी करते हो वहीं पर आपकी वो मानी जाती है, आप ड्यूटी करते हो लेकिन वो ट्रेनिंग ही में ट्रेनिंग पीरियड में ही आता है, तो मैक्सिमम मतलब 1 ईयर का मान के चलते हैं, और इसमें क्या है 6 मंथ की। अब जैसे फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि पोस्ट की क्या है, अब एसएससी जेई में देखिए, एसएससी जेई में मतलब काफ़ी सारे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और यूपीसीएल जेई आपका स्टेट गवर्नमेंट यूपी के अंदर आता है, तो एसएससी जेई में क्या है कि पोस्ट बहुत सारी है, काफ़ी सारी पोस्टें हैं, मैं इनके बारे में कभी डिटेल में भी आप कहोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या है इसमें, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एमईएस हो गया, आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, तो
बीआरओ हो गया, बॉर्डर एरिया वाला जो हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और आपका हो गया एनटीआरओ जैसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो रा होते हैं, रा जो इंडिया की है, रा एजेंसी, या आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके तरह मतलब है। तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं। सीडब्ल्यूसी है जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें पोस्ट हैं। नेवी की मतलब नेवल की भी पोस्ट हैं, जैसे उसमें जो इक्विपमेंट बनते हैं तो उसके बारे में मतलब आपको क्वालिटी एश्योरेंस करना होता है, तो उसकी मतलब क्वालिटी कैसी है। तो इससे मतलब तमाम कई सारी पोस्ट हैं एसएससी जेई में। और यूपीसीएल जेई में क्या है कि आपका जैसे दो डिपार्टमेंट है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका इसमें भी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके डिपार्टमेंट है, जैसे आप या तो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन में हो या जेई मीटर में हो जाते हैं कई। और ट्रांसमिशन में आप देखोगे तो इसमें भी कई डिपार्टमेंट जैसे मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, और टीएनसी है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो लेकिन अगर मैं मतलब अगर आप देखोगे वर्सेटाइल नेचर, मतलब अगर जॉब मतलब वर्सेटाइलिटी किसमें है, तो एसएससी जेई इस मामले में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उसमें वर्सेटाइल नेचर ज़्यादा है। मतलब कई टाइप्स के काम आप कर सकते हो, जैसे सीपीडब्ल्यूडीएम, जैसे आपका मिलिट्री में अगर इंटरेस्ट है तो आप एमईएस वाले में जा सकते हो। और जैसे बीआरओ की जो पोस्ट होती है बॉर्डर, तो उसमें क्या है कि जैसे एक गौरव की जॉब है, जैसे क्या है कि अब जो प्योर आर्मी वाली जो फीलिंग होती है उसमें आप ले सकते हो। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा बॉर्डर लाइन पे होता है, तो थोड़ा मतलब वही बॉर्डर के करीब रहते हो तो है, लेकिन एक प्राइड एक गौरव की बात है कि आप मतलब आर्मी के साथ आपकी ड्यूटी रहेगी। तो ये था कि मतलब इसमें कई सारे पोस्ट हैं, और बाकी ये आपका जो मैंने यूपीसीएल का बताया, तो एक वर्सेटाइल जैसे आप सीपीडब्ल्यूडी में क्या है कि इसमें 70% पोस्ट जो होती है मतलब आपको मोस्टली सिटी में ही मिल जाती है, मेट्रो सिटी वगैरह में मिल जाती है, जो हायर सिटी रहते हैं उसमें मिल जाती है, एमईएस की भी मिल जाती है। बाकी बीआरओ वगैरह की, और वैसे जनरली सीडब्ल्यूसी वगैरह की, बीआरओ वगैरह थोड़ा बॉर्डर लाइन थोड़ा दूर एरियाओं में मिलती है। वैसे आपको इसमें भी प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप चूज कर सकते हो कि क्या आप प्रेफर, जैसे सीपीडब्ल्यूडी में जैसे साउथ रीजन, ईस्टर्न, नॉर्थन या वेस्टर्न, मतलब जो भी रीजन है दोनों में ऑप्शन आता है, यूपीसीएल जेई में भी आता है, तो आप मतलब चूज कर सकते हो। तो जैसे आपकी रैंक रहती है फिर आपको मतलब मिल जाता है जो भी आप मतलब प्रेफरेंस देते हो। तो ये था कि मतलब आपका कि ट्रेनिंग कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि सैलरी मतलब सैलरी में क्या डिफरेंस होता है दोनों की। जैसे एसएससी जेई जो है कि ये मतलब लेवल 6 की जॉब है, मतलब पे मैट्रिक्स लेवल जो होता है ना उसमें 6 पे आता है, ग्रुप बी पोस्ट है, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 4200, 4200 ग्रेड पे होता है, और इसकी बेसिक सैलरी जो है वो होती है 35,400, मतलब 35,400। तो पे मैट्रिक्स 6 है, ग्रुप बी पोस्ट है। अब बात किया जाए अगर यूपीपीसीएल जेई की, तो इसमें क्या है आपका बेसिक सैलरी है आपका 44,900, मतलब 44,900, और इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 7 होता है, और जो इसका ग्रेड पे होता है वो 46 होता है। मतलब मोस्टली आप किसी भी जेई को देखोगे तो उनका जो ग्रेड पे होता है, चाहे आरआरबी ले लो चाहे मतलब कोई भी एसएससी जेई, मतलब 4200 ही होता है। एक यूपीसीएल ही है मतलब जिसका ग्रेड पे आपका 4600 है, और एक दो कोई स्टेट में है जिनका मतलब शायद 4800 भी है, एक दो कोई स्टेट है सर, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, जेई की है, इलेक्ट्रिकल में नहीं लेकिन किसी डिपार्टमेंट में 4800। बाकी आप मोस्टली कोई भी देखोगे तो 4200 ही होते हैं। तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 होता है यूपीसीएल जेई में। तो इस मामले में मतलब इसमें क्या थोड़ी सी आपकी एडवांटेज ये मिल जाता है यूपीसीएल जेई में। और जैसे अब क्या कि अगर आप मतलब सैलरी का ओवरऑल देखोगे, जैसे मतलब इन हैंड सैलरी जो होती है, तो उस मामले में क्योंकि इसका 4600 ग्रेड पे है और बेसिक सैलरी भी इसकी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रहती है जनरली, नहीं मतलब क्या कि इसमें आपकी 60+ रहती है स्टार्टिंग से ही, मतलब 63, 64, 65 के करीब रहती है, अगर आप बढ़िया कहीं सिटी में हो या चारे वगैरह मिल रहा है तो इतनी होती है। अब बात की जाए कि आपकी मतलब एसएससी जेई की, तो अगर नॉर्मल आप कहीं सिटीज वगैरह में हो नॉर्मल, तो आपकी मतलब 50+ हो जाती है, क्योंकि अब डीए वगैरह भी बढ़ गया है, तो मतलब 50+ मिल जाती है आपको। अगर आप कहीं बीआरओ वगैरह पोस्ट में हो जिसमें मतलब या अंडमान या लद्दाख रीजन वगैरह में हो, मतलब बॉर्डर लाइन की तरफ हो, तो आपको और स्पेशल अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं, तो आपकी सैलरी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब 60-70+ ही हो जाएगी, नहीं तो नॉर्मली मतलब आपकी 50+ मिलेगी इस समय, जो भी स्टार्टिंग में मतलब जिसकी भी जॉब लगेगी तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था मतलब सैलरी का। अब बाकी जैसे मैं बता कि जैसे जॉब प्रोफाइल का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे क्या है कई डिपार्टमेंट है, जैसे एसएससी जेई में क्या है सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो एक काम सिविल वालों का जानते हैं कंस्ट्रक्शन का या रोड वगैरह मतलब काम रहता है, इलेक्ट्रिकल का तो यही काम रहता है टेक्निकल से रिलेटेड।
अब बाकी यूपीएससीएल जेई में क्या कि मोस्टली तो इलेक्ट्रिकल के ही होते हैं, लेकिन मतलब पहले वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आती थी, पिछले कुछ समय से बंद हो गई है, बाकी सिविल की भी आ जाती है। तो ये इसमें है, तो ये मतलब बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मतलब आप जैसा आप जो भी आपको मतलब अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। फ्रेंड जैसा कि इसमें सैलरी में क्या है कि एसएससी जेई वाले में जैसे एचआरए वगैरह आपको मतलब यूपीएससीएल के कंपेरिजन में मतलब थोड़ा अच्छा मिल जाता है। जैसे क्या है कि इसमें बेसिक का आप कहीं क्लास वन सिटी में हो तो आपको 27% मिलता है बेसिक सैलरी, जो आपकी है 35,400, और बी में हो तो आपका मिलता है आपको 18%, और सी में हो तो आपको 9%, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। लेकिन क्या यूपीएससीएल जेई में एचआरए आपका थोड़ा कम, जैसे आप क्लास ए सिटी में हो तो परसेंट वाइज ना इसका फिक्स होता है, क्लास ए सिटी में हो तो आपको मतलब 5,000+ मिलता है, और बी में हो तो आपको 3,000 मिलता है, और आप अगर सी में हो तो आपको 2,000 के करीब मिलते हैं। तो ये है इसके सैलरी का स्ट्रक्चर था, और ट्रेनिंग वगैरह के मैंने बता ही दिया आपको, जॉब वगैरह का एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, तो आप खुद अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है, किसमें मतलब आपको जाना चाहिए। बाकी आप अप्लाई तो दोनों को किया करो, लेकिन किसमें मतलब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप सोच सकते हो। तो ओके फ्रेंड, अभी तो मतलब इसमें और मतलब मैंने जितना पॉइंट था ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर ही दिया है, और अगर कुछ मतलब रह भी गया हो तो मैं अभी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगर आप कहोगे तो मैं एसएससी जेई के रिगार्डिंग या जितनी इसकी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।